दिनों दिल्ली के भोगल में एक ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ की चोरी हुई थी, जिसके बाद आज पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हुई है। दिल्ली पुलिस ने दुर्ग और बिलासपुर पुलिस के साथ मिलकर ये पूरी कार्रवाई की है। आरोपियों के पास से करीब 15 करोड़ रुपए की कीमत का लगभग 18.5 किलो सोना और कैश बरामद हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंगपुरा में ज्वेलरी शॉप से पिछले रविवार को एक चोरी हुई थी, जिसके मुख्य आरोपी शातिर चोर लोकेश श्रीवास्तव को दुर्ग के स्मृति नगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोकेश दिल्ली में चोरी करने के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और फिर दुर्ग में छिपा था। वहीं बिलासपुर में पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिली थी। संदिग्ध से पूछताछ करने पर उसने कवर्धा का लोकेशन बताया और जहां शिवा चंद्रावंशी नाम के व्यक्ति के ठिकाने पर छापेमारी की गई। शिवा के पास से 23 लाख रुपए नकद मिले हैं। ये देखिए आप, जो बड़ी चोरी हुई थी बीते दिनों दिल्ली के भोगल से और ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ की जो चोरी हुई थी, उसके बाद ये 3 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनके पास ये तमाम जो आभूषण आप देख पा रहे हैं, ये सारा सामान उसी ज्वेलरी शॉप का था, उसी शोरूम का था। और ये 3 आरोपी जो छत्तीसगढ़ भाग गए थे और यहीं अलग अलग जिलों में इनकी जो मौजूदगी की खबर आई थी, दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिलासपुर की पुलिस के साथ मिलकर ये पूरी कार्रवाई की है। 15 करोड़ रुपए की कीमत का, देखिए ये पूरा जो सोने की आभूषण ये नजर आ रहे हैं आपको, इन्हें पुलिस ने बरामद किया है। रविवार को चोरी हुई थी और उसके बाद से ये आरोपी फरार बताए जा रहे थे। बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी सफलता पुलिस की। तो दिल्ली के भोगल में हुई 25 करोड़ की चोरी मामले में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धरपकड़ कर ली है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है थे और वहाँ जब उसको पकड़ा गया, लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी, ये एक हम लोगों ने कार्रवाई मिलकर की है और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो। अभी हम लोग चोरों को लेके यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियाँ की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। तीनों पुलिस, दिल्ली पुलिस, रायपुर पुलिस, बिलासपुर पुलिस, दुर्ग पुलिस, सभी दावा कर रही है कि इसमें सफलता हासिल की है। ये देखिए, ये जो रेट की कार्रवाई जो की गई थी, इसमें काफ़ी समय से, जैसा मैं बताया, हम लोग की टीम काम कर रही थी। कल भी एक जो यहाँ रेड हुआ था उसमें हम लोगों ने पकड़ा, उसके बाद से ये भाग के गया था, तो वहाँ उसको पकड़ा। दिल्ली पुलिस भी काफ़ी समय से चोरी के मामले में वो लोगों को खोज रहे थे, वो भी टीम पहुँची हुई थी। तो एक अच्छा, सभी टीमों के लिए एक सफल ये अभियान माना जाएगा और इसमें और चोरियों को भी खुलासे हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता राजेश निषाद जुड़ चुके हैं। राजेश, एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस के हाथ लगी है। देखिए, दिल्ली में चोरी हुई और आरोपियों की जो चोर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से। पुलिस का ये कहना है कि और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है। निश्चित तौर पे दिल्ली में बीते दिनों जिस तरह से ये चोरी हुई है, करीब 25 करोड़ रुपए के जो ज्वेलरी हैं वो चोरी हुई थी, उसके बाद दिल्ली और छत्तीसगढ़ पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई हुई है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था बिलासपुर में किसी संदिग्ध का, उसके बाद दिल्ली पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची, बिलासपुर पहुंची, वहां पूछताछ की गई, उसके बाद वहां से एक संदिग्ध के बारे में और जानकारी मिली, तो उसके बाद जो टीम है वो कवर्धा पहुंची। कवर्धा में यहां शिवा चंद्रवंशी नाम के एक युवक के घर जब पुलिस ने दबिश दी तो वहां पुलिस ने शिवा चंद्रवंशी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वहां से खिड़की के दरवाजे से जो मुख्य आरोपी है लोकेश, वो फरार हो गया था। उसके बाद उसका लोकेशन दुर्ग में मिला, फिर पुलिस ने दुर्ग पहुंची और दुर्ग में स्मृति नगर इलाके से कहीं ना कहीं इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपी के कब्जे से 18.5 किलो जो सोने हैं वो बरामद किए हैं, जिसकी कुल कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही जो कवर्धा में जिस तरह से जो
छापेमार कार्रवाई की गई थी तो वहां करीब आरोपी के पास से 12.5 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल दिल्ली और छत्तीसगढ़ पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है, आगे भी जो है इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और वैसे एक चीज और बता दूं, चूंकि जो मुख्य आरोपी है लोकेश, वो इससे पहले 2 साल पहले दुर्ग में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया था जिसमें करीब 3 करोड़ की वो चोरी थी, उसमें पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया था। तो भोगल में हुई 25 करोड़ की चोरी का मामला सुलझ गया है, ज्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी राजेश, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी पहुंचाने के लिए।